Hello student, myself Gutianjali. In general knowledge of a third standard, chapter 5th, amazing plant facts. In previous video we have studied about animals and birds. Now we will see about the plants, amazing plant facts. The world is full of a different kind of plants with strange and amazing qualities. You must have seen a few of these plants. Let's know a few amazing facts about some interesting plants. तो जैसे हमने अगले वीडियो में प्लांट्स सॉरी एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में जो अमेजिंग फैक्ट्स थे और डिफरेंट उनकी जो फैक्ट्स थे उनके बारे में देखा. नाउ वी विल सी अबाउट द प्लांट्स फैक्ट्स. सो फर्स्ट हियर, तो प्लांट्स के भी क्या होते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज उनकी होती है. एंड दे हैव सीन अ फ्यू ऑफ प्लांट्स. लेट्स नो अबाउट अ फ्यू अमेजिंग प्लांट्स. So first plant, this plant has a pitcher shaped structure with a lid. The lid shuts when any insect come inside the pitcher, and the plant eats the insect. This is a pitcher plant. So this plant has a pitcher shaped structure. हम यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं उसका जो शेप है वो कैसा है, exactly like a pitcher. और उस पर क्या होता है, लीड भी होता है, ढक्कन भी होता है. एंड द लीड शट वेन इंसेक्ट कम इन साइड द पिचर. जब भी इस पिचर में इंसेक्ट आ जाते हैं तो ये जो लीड होता है वो क्या होता है, बंद हो जाता है. एंड द प्लांट ईट द इंसेक्ट. दिस इज अ पिचर प्लांट. और फिर वो क्या करता है, जो प्लांट है वो उन इंसेक्ट को खा जाता है और इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, पिचर प्लांट बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज द कैक्टस. द कैक्टस प्लांट ग्रो इन अ डेजर्ट. इट लीव्स आर मॉडिफाइड इन टू अ स्पिनर्स. द स्टीम स्टोर्स वॉटर एंड वर्क लाइक अ लीव. तो जो ये कैक्टस होता है वो कैसे होता है, डेजर्ट एरिया जो डेजर्ट में होते हैं वहां पे ये प्लांट्स देखने को मिलते हैं. और उनके जो लीव्स होते हैं वो किस में मॉडिफाई होते हैं, उनके स्पिन्स में होते हैं. एंड द स्टीम स्टोर्स वाटर एंड वर्क इटसेल्फ अ लीव. वर्क लाइक अ लीव. तो जो ये स्टोर, ये जो उनके जो स्टीम होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं और वो लीव जैसा ही काम करते हैं. तो इट्स कॉल्ड अ कैक्टस प्लांट. थर्ड वन इज अ वेनस फ्लाई ट्रैप. The Venus flytrap is also an insect-eating plant. It has two hinded leaves which quickly shut and trap any insect that sits on the leaves. The leaves have a fine hairs which sends insect. तो ये जो Venus flytrap होता है वो insect-eating plant है. वो क्या करता है, जो insects को खाता है. And it has two hind leaves which quickly shut and trap any insect that sits on the leaves. तो कोई भी इंसेक्ट जो होता है वो उनके लीव्स पर आकर बैठता है तो वो क्या करते हैं, उसको उसके जो लीव्स होते हैं वो उसको ट्रैप कर देते हैं. एंड दिस लीव्स हैव अ फाइन हेयर्स विच सेंस इंसेक्ट. और उनके जो हेयर होते हैं उनसे वो क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट को सेंस कर सकते हैं कि इंसेक्ट यहाँ पे है. फोर्थ वन इज अ बाओबेब. बाओबेब इज ऑल्सो नॉन एज द बॉटल ट्री. They look like a bottle. One tree can store around 300 liter of water. They often lives over 500 years. तो जो ये बाओबेब जो ट्रीज होते हैं उनको क्या कहते हैं, बॉटल ट्री भी कहते हैं. एंड दे लुक्स लाइक अ बॉटल. उनका जो शेप होता है हम यहाँ पे देख सकते हैं, शेप उसका बॉटल जैसा होता है. और वो 300 लीटर पानी स्टोर भी कर सकता है. जो इसका ये बॉटल जैसा शेप होता है उसमें वो 300 लीटर वाटर स्टोर कर सकते हैं. और उनका जो एज होती है वो कितनी होती है, वो कितने साल जीते हैं, तो 500 इयर्स उनकी एज होती है, 500 ईयर तक की होती है. नेक्स्ट वन इज रेफ्लेशिया. रेफ्लेशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड. इट ब्लूम्स वंस इन 9 months एंड इट कैन वेट अप टू 10 kg. द फ्लावर हैज अ वेरी स्ट्रांग स्मेल ऑफ अ रोटिंग मीट. तो जो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मतलब कि सबसे बड़ा फ्लावर्स है उसे क्या कहते हैं, रेफ्लेशिया. यहाँ पे उसके हमें पिक्चर भी दी हुई है. इट ब्लॉम्स वंस इन 9 months. वो 9 months में एक बार ब्लॉम होते हैं और उनका वेट 10 kg तक होता है. और उनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही कैसी होती है, स्ट्रांग रोटिंग मीट जैसी उनकी स्मेल होती है. नेक्स्ट, दिस इज द टच मी नॉट प्लांट. इट लीव्स फोल्ड इन वर्ड एंड सेक वेन टच्ड, प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम एनी हार्म. द लीव्स रीओपन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स. तो जो ये प्लांट्स होता है उसे क्या प्लांट्स बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट. बिकॉज वो क्या होता है, जैसे भी उनको कोई टच करता है उनके लीव्स को तो वो क्या करते हैं, खुद को इनवर्ड फोल्ड कर देते हैं. तो उसकी वजह से जैसे मुरझा गए उसके ऐसे लीव्स उसके हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई हार्म ना हो इसलिए उनके प्लांट के साथ ऐसा होता है. ऑन द लीव्स री ओपन आफ्टर अ फ्यू मिनट. फ्यू मिनट्स के बाद जो जैसे भी लीव्स थे वैसे उसके लीव री ओपन हो जाते हैं. तो हियर वी हैव गिवन सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट प्लांट्स. नाउ नेक्स्ट,
6. Plants habits. All plants, sorry, habitats. All plants cannot live everywhere. Different places have a different kind of plants. Some plants can be found in plains, some on a mountain, some in a desert, and some can be found near a coast and in lake and ponds. तो यहाँ पे जो सारे प्लांट्स होते हैं वो सब जगह पे नहीं हो सकते, जैसे कि उनको पर्टिकुलर एटमोसफियर चाहिए होता है, कि कुछ प्लांट्स होते हैं वो कुछ स्पेशल एरिया में ही होते हैं. तो डिफरेंट प्लेस हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स. और अलग अलग जगह, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं वो स्पेसिफिकली हमें माउंटेन पे मिलते हैं, कुछ डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, कुछ लेक्स में होते हैं, प्लेन्स में होते हैं, वैसे डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं. लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द प्लांट्स इन द कॉमन गिवन बिलो वेयर दे आर फाउंड. तो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई है प्लांट्स की, उसमें से हमें क्या करना है, वो कौन सी जगह पे होते हैं उन पर हमें उनको लिखना है. तो जैसे कि यहाँ पे हमें प्लांट्स के बारे में दिया है, 10 प्लांट्स दिए, फिर नीचे हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, कोस्ट एंड लेक्स. तो उनमें हमें क्या करना है, उनके नीचे हमें नाम लिखना है कि कौन सा ट्री कौन से एरिया में होता है. तो ये फर्स्ट वी हैव गिवन अकेशिया ट्री. तो जो ये अकेशिया ट्री होते हैं वो किस जगह पे होते हैं, प्लेन्स में, माउंटेन्स में, डेजर्ट में, कोस्ट में, या फिर लेक और पॉन्ड्स में. तो ये किस जगह पे होते हैं, प्लेन्स में होते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट वन इज यहाँ पे आएगा, तो हम सीधे यहाँ पे उसके नंबर्स लिख देंगे. सो हियर इज वन. देन सेकंड इज अ पाइन ट्री. तो पाइन ट्री कहाँ पे देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स पे वो होते हैं, तो यहाँ पे सेकंड इज पाइन ट्री. देन थर्ड वन इज अ कोकोनट ट्री. तो कोकोनट ट्री कहाँ पे होते हैं, वो कोस्ट में होते हैं, तो यहाँ पे आएंगे कोकोनट ट्री. लोटस, तो लोटस कहाँ पे होते हैं, पॉन्ड्स में और लेक्स में देखने को मिलते हैं, तो हियर इज नंबर फोर. फिफ्थ इज अ बनियन ट्री. तो बनियन ट्री कहाँ पे होता है, तो वो भी हमें लेक्स में देखने को मिलते हैं, सॉरी बनियन ट्री कहाँ पे होते हैं, प्लेन्स में होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा नंबर फाइव. देन सिक्स इज मैंगो ट्री. मैंगो ट्री इज ऑल्सो ऑन अ प्लेन, तो यहाँ पे नंबर सिक्स. देन ए फायर ट्री, तो वो कहाँ पे होता है, सेवन. तो वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स पे, तो यहाँ पे सेवन आएगा. देन है कैक्टस. कैक्टस कहाँ पे होते हैं, डेजर्ट में होते हैं, जैसे हमने आगे देखा, तो यहाँ पे डेजर्ट में हम एट नंबर लिखेंगे. नाइन है वाटर लिली. वाटर लिली कहाँ पे होगी, ऑब्वियसली इन पॉन्ड्स और लेक. एंड नंबर टेन डकवीड, तो वो भी कहाँ पे होता है, लेक्स और पॉन्ड्स में, तो यहाँ पे नंबर टेन. नाउ नेक्स्ट सेवन. हियर वी हैव गिवन अबाउट यूजफुल प्लांट्स. प्लांट गिव्स मैनी थिंग्स. सम गिव अस टिम्बर, सम गिव मेडिसिन, एंड सम अदर गिव्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं, कुछ हमें टिम्बर्स, कुछ मेडिसिन, तो कुछ हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हैं. तो टिम्बर मीन्स क्या होता है, कि जिनकी वजह से, जिनके वुड से हम अपने घर में, बिल्डिंग्स में जो वुड्स यूज करते हैं उसे टिम्बर कहते हैं. तो ये प्लांट्स है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट उनका हम यूज कर सकते हैं. रीड, आइडेंटिफाई एंड कम्प्लीट द नेम ऑफ प्लांट शोन बिलो. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लांट्स की जो पिक्चर दी उसे देखनी है, देन रीड एंड आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा प्लांट है. सो फर्स्ट वन इज अ मेडिसिन कॉल्ड क्विनाइन. इट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ दिस प्लांट. द मेडिसिन इज यूज्ड टू क्योर मलेरिया. तो मलेरिया के लिए जो ये यूज होता है, इसे हम क्या कहते हैं, शिंचोना. तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आई एन सी एच ओ एन ए, इट्स कॉल्ड शिंचोना. वो क्या होता है, जो मलेरिया जब भी किसी को हो तब ये उसको क्योर करने के लिए इस प्लांट का यूज होता है. सेकंड वन इज द लीव्स ऑफ द ट्री आर बिटर. दे आर यूज्ड टू क्योर स्किन डिसीज एंड वेरी इफेक्टिव इन रिमूविंग हेड लाइस इन अ ह्यूमन. तो मतलब कि ये जो लीव्स होते हैं इसको तो हमें जानते ही है, ये कौन सा है, नीम ट्री है, जिसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही बिटर होते हैं. एंड दे आर यूज टू क्योर अ स्किन डिसीज. स्किन डिसीज के लिए उनका इस्तेमाल होता है. एंड दे आर वेरी इफेक्टिव रिमूविंग हेड लाइस इन अ ह्यूमन. तो यहाँ पे क्या आएगा, नीम, एन ई डब ई एंड देन एम. थर्ड वन इज दिस प्लांट इज सेक्रेट प्लांट फॉर हिंदूज. इट लीव्स आर यूज्ड टू क्योर कॉमन कॉफ एंड कोल्ड. तो ये कौन सा प्लांट है, तुलसी, जिसे हम बेसिल प्लांट भी कहते हैं. तो टी यू एल एस आई, तुलसी. ये जो होता है वो बहुत ही हिंदू के लिए क्या होता है, सेक्रेट मीन्स की होली, पवित्र होता है.
एंड इट लीव्स किसके लिए यूज होते हैं, क्योर करने के लिए, कॉमन जो कोल्ड और कफ होता है उसमें उसके लीव्स का यूज होता है एज अ मेडिसिन. फोर्थ वन इज द सीड ऑफ दिस प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक अ चॉकलेट, इट इज ऑल्सो नॉन एज अ ब्लैक बीन. तो इनकी जो सीड्स होते हैं उससे क्या होती है, चॉकलेट बनती है और उसे हम ब्लैक बीन्स भी कहते हैं. तो इसे क्या कहेंगे हम, कोको. तो COCOA इट्स कॉल्ड अ कोको. फिफ्थ वन इज द अनराइप फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज्ड टू मेक अ मेडिसन, इट इज ऑल्सो ग्रोन फॉर अ डेकोरेशन. तो ये कौन से होते हैं, पॉपी. ये यूनिक फ्रूट्स होते हैं और उनका डेकोरेशन में भी उनका इस्तेमाल होता है और मेडिसिन में भी इनका इस्तेमाल होता है. लास्ट वन इज दिस प्लांट हैज नो स्टेम्स, इट हैज थिक एंड फ्लेशी लीव्स, द एजेस ऑफ द लीव्स आर लाइक अ शो विद अ स्मॉल वाइट टीथ, द जूस फ्रॉम द लीव्स आर यूज्ड फॉर स्किन केयर एंड हेल्प इन बर्न्स. तो ये जो प्लांट है इसे हम क्या कहते हैं, एलोवेरा, ALOERA. तो ये जो एलोवेरा होता है उसके स्टीम्स नहीं होते और उनके जो फ्लैशी लीव्स होते हैं और उसकी जो एजेस होती है उस पर हम स्मॉल वाइट टीथ जैसा हम देख सकते हैं और उनके ये जो स्किन केयर होती है उसमें इसका यूज होता है एंड इट ऑल्सो हेल्प अस इन अ बर्न्स. नेक्स्ट, सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्लांट्स प्रोडक्ट्स वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.